मध्य प्रदेश से सरकार बदल गई, लेकिन गांव के हालात आज भी जस के तस हैं। जान हथेली पर रखकर नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं बच्चे। आजादी के कितने साल बीत गए, लेकिन नहीं बना शिप्रा नदी का पुल। देवास जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर हिरली गांव है। यह गांव की आबादी लगभग 5000 से अधिक है। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ यह गांव शिप्रा नदी के उस पार इंदौर जिला लग जाता है, जहां पर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। हिरली गांव में कक्षा 5वीं तक स्कूल है। 5वीं के बाद बच्चों को शिप्रा नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। नदी में हमेशा पानी रहता है। जुगाड़ की नाव जो कि ड्रम पर बनी हुई है, रस्सी के सहारे ड्रम पर बैठकर बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने जाते हैं। बच्चों का कहना है कि हम नदी पार करते हैं, ड्रम पर बैठते से ही हमको डर लगता है। कई बार नाव पलट भी चुकी है, जिससे हम नदी में गिर गए हैं। हमको हमारे परिजनों ने तैर कर नदी में से निकलना, हमारे बैग बस्ते भीग जाते हैं, वह बह जाते हैं। हम नदी पार करने में बहुत डरते हैं। गांव वालों ने हमारे लिए जुगाड़ की नाव बनाई है। कभी कभी इस नाव की रस्सी भी टूट जाती है। जब तेज पानी आता है तो हम स्कूल भी नहीं जाते हैं। हमारी कई दिनों की छुट्टी भी हो जाती है। जब हमने स्कूल जाकर स्कूल के शिक्षक से बात की तो शिक्षक भी कहते हैं कि नदी पार करने में बच्चों की जान का डर है। हम नदी के इस पार खड़े रहते हैं। जब बच्चे यहाँ आ जाते हैं, हम बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं। हिरली गांव के बच्चे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के आते हैं। सभी बच्चे पढ़ने में होशियार हैं। बच्चों के परिजनों का कहना है कि हम नदी के इस पार खड़े रहते हैं। जब बच्चे यह ड्रम की जुगाड़ की नाव से नदी पार कर स्कूल चले जाते हैं और स्कूल से लौट के नहीं आते, जब तक हम इसी नदी के किनारे पर बैठ के बच्चों का इंतजार करते हैं। हमको डर लगा रहता है कि बच्चे नदी में गए ना गिर जाएं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम महक खान है। मेरे पिताजी का नाम कयूम खान है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। हम हिरली गांव से सिमरौल गांव में स्कूल जाते हैं और बीच में शिप्रा नदी होने के कारण हमें बहुत सी समस्याएं आती है। गांव वालों ने हमारे लिए जुगाड़ी नाव बनाई है, जिसकी सहायता से रस्सी खींचते हुए हम सिमरौल गांव में स्कूल पहुंच पाते हैं। और कभी कभी ड्रम भी पलटी खा जाता है, जिसकी वजह से गांव वाले हमें बचाते हैं और गांव वाले अधिकतर यहीं पर बैठे रहते हैं तब तक हम स्कूल पहुंचते हैं। और हमारे सर लोग भी उधर बैठे रहते हैं जब तक हम उधर जाते हैं, उधर से फिर हमें स्कूल में ले जाते हैं। और अगर इधर बैठे रहते और अगर हमें लेट हो जाते तो हमारे सर होना हमारे अटेंडेंस लगा देते हैं। सर होने का हमें बहुत सहयोग है। हमें बहुत सी समस्याएँ आती है, कभी ड्रम भी पलटी खा जाता है और कभी हमारे बैग कॉपी किताब भी गीले हो जाते हैं, जिससे हम आए दिन स्कूल नहीं जा पाते। और बारिश में तो अधिकतर हमारे लांगे होते ही हैं, क्योंकि बारिश में कभी नदी का पानी ज़्यादा रहता है और बहाव ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से हम स्कूल नहीं जा पाते और हमारे टेस्ट और जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी हम नहीं जा पाते। बेटा, ये ड्रम की जो नाव, जुगाड़ की नाव, उसको किसके सहारे चलाते हो आप? हम उसे जुगाड़ की नाव को रस्सी की सहायता से चलाते हैं। जो जड़े ज़्यादा आंधी तूफान आती है, जब क्या करते हैं फिर आप? हम या तो हमें गांव वाले लेने के लिए आते हैं या फिर हम स्कूल ही नहीं जा पाते उस वक्त। बेटा, इस नदी में एक आध बार आप गिरे नहीं गिरे? आपकी सहेलियों गिरी नहीं गिरी? बहुत बार गिर गए, ऐसा तो बहुत बार हादसा हो चुका है। आपके स्कूल बैग, कापी किताब वगैरह गीले हुए नहीं हुए? कापी किताब और ये भी सब गीले हो जाते हैं पूरे। मेरा नाम मोहन सिंह यादव है। सर, कौन सी क्लास पढ़ाते हैं आप? कौन से स्कूल पढ़ाते हैं? कौन से जिले में पढ़ाते हैं? मैं शासकीय हाई स्कूल सिमरौड़ में 9वीं व 10वीं को पढ़ता हूँ। मैं इंदौर जिले से हूँ। सर, ये बताएं, ये जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते हैं जुगाड़ की नाव में जान जोखिम में डाल के पढ़ने आते हैं, कहाँ से आते हैं और कौन कौन सी क्लास से, कितने बच्चे आते हैं? सर, ये सिमरौड़ से कुछ बच्चे आते हैं और अधिकांश बच्चे हमारे मतलब हिरली गाँव से आते हैं। और 9वीं में तकरीबन 20 बच्चे आते हैं और 10वीं में 10 बच्चे 10वीं में आते हैं। सर, किस तरीके से नदी शिप्रा नदी पार करके आते हैं और क्या इनकी पूरी भूमि बताएं? ये लोग जुगाड़ की नाव बना रखी है, जो कि वास्तव में जान जोखिम डालने वाला काम है, और उसे नदी पार करके आते हैं। और जिसके कुछ समय तो ऐसा रहता है कि लगातार बारिश होती रहती है, तो बच्चे क्या है विद्यालय में पढ़ने भी नहीं आ पाते हैं, और जिसके कारण हमारा सिलेबस जो है, कोर्स है, वो भी पूरा नहीं हो पाता है समय पर, और परिणाम स्वरूप हमारा रिजल्ट भी प्रभावित होता है। सर, बच्चे पढ़ने में कैसे हैं जो आते हैं जान जोखिम डाल के, जो बच्चे आपके आते हैं वो? नहीं, पढ़ने में हम जो बच्चे आते हैं जान जोखिम डाल के, वो बड़े ही होशियार और समझदार और अच्छा उत्कृष्ट रिजल्ट देने वाले बच्चे आते हैं। तकरीबन वहाँ की जो बालिकाएं हैं, कुछ बालिकाएं हैं विगत वर्षों में 75% तक परीक्षा परिणाम लेके आई है। मतलब थैंक यू। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कयूम खान है। कयूम खान जी, ये कहाँ की समस्या है और कितनी दूर क्या है पूरा मामला बताएं आप। ये कयूम खान नाम है मेरा। गांव हिरली, जिला देवास का आखिरी बॉर्डर का गांव है। इसी जिले के पास में इंदौर जिला लगा हुआ है, जिसमें सिमरौड़ गांव है।
यहाँ की समस्या है। ये कम से कम हमारी तो उम्र हो गई कम से कम 35 साल, 35 साल से हमेशा यही समस्या आती जा रही है। उसके बाद यहाँ से क्या सांवेर की दूरी है सिर्फ 8 किलोमीटर, तो हमारा बचपन से जाना आना इधर ही लगा रहा है। और इस हम जुगाड़ की नाव से बहुत मुसीबत से इससे निकल के जाते हैं। हमेशा पानी ज़्यादा अगर हो जाता है तो रस्सी टूटने का खतरा या नाव बहने का भी खतरा रहता है। ये जुगाड़ की नाव काय की बनाई आपने, किस चीज़? जुगाड़ की नाव हमने सरिये की और टंकी की सहायता से बनाई है। प्लास्टिक की टंकी ली है और टंकी पानी में डालने के बाद उस नाव से इसको हमने तैयार किया गया है। और जब तक हम इधर से जाते आते हैं, जैसे 100-200 आदमी रोज़ काम करने के लिए भी इधर 7 किलोमीटर की दूरी सांवेर गांव है, इधर आसपास हम काम करने जाते हैं गरीब आदमी। उसके अलावा कभी बीमार दुखी भी है तो सरकारी हॉस्पिटल इधर 7 किलोमीटर पे है, इसलिए इधर ज़्यादातर हम लोग जाते हैं। इसके लिए हमारे पास 5 साल में हमेशा कोई भी आता है हमको बोलता है वोट दो, इस बार आपका पुल बन जाएगा। आज तक 74 साल देश आज़ाद हुए को हो गए हैं, किसी ने भी हमारे तरफ पलट के नहीं देखा है और आज तक कोई भी हमारा रुख मतलब पुल के लिए बात नहीं करता है। जिसको भी फ़ोन लगाते हैं कि हाँ बस आपका काम हो जाएगा, इसलिए हमने हमारे दम पे सोचा है कि अब या तो जान दी जाए या फिर जल सत्याग्रह का किया जाए। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।